प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जारी किया गया। मौजूदा समय में उनके पास करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति थी। अब 4 साल के बाद मोदी की संपत्ति में करीब 75 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हलफनामे में संपत्ति का ब्यौरा दायर किया था। उस आधार पर 2014 और 2018 में प्रधानमंत्री की संपत्ति में कितना अंतर आया है यहां समझे। 2014 में मोदी के पास कुल अचल संपत्ति 1,51,57,582 रुपए थी, आज 2018 में करीब 2 करोड़ रुपए है। 2014 में मोदी के पास कैश 29,000 रुपए था, आज 2018 में मोदी के पास 48,944 रुपए है। 2014 में पोस्टल सेविंग में 4,34,031 रुपए था, आज 2018 में SBI बैंक में कुल 11,29,690 रुपए जमा है। 2014 में फिक्स डिपॉजिट 44,23,383 रुपए था, आज 2018 में 1,07,96,288 डिपॉजिट है। 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड डिपॉजिट 20,000 रुपए की थी, आज 2018 में भी 20,000 रुपए ही है। 2014 में गोल्ड ज्वेलरी 1,35,000 की थी, आज 2018 में 1,38,000 रुपए की है। 2014 में ब्याज के रूप में रिफंड आया कुल 1,15,468 रुपए, आज 2018 में 1,59,281 रुपए LIC के रूप में है। प्रधानमंत्री के नाम पर कोई भी दोपहिया फोर व्हीलर वाहन रजिस्टर नहीं है, जबकि मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से उन्होंने कोई नया सोना नहीं खरीदा। अगर प्रधानमंत्री की कुल चल अचल संपत्ति की बात हो तो यह लगभग 2 करोड़ रुपए की है, और इसमें लगभग 1,28,00,000 रुपए की चल और गांधीनगर में कुछ अचल संपत्ति है। प्रधानमंत्री ने 2002 में 1,00,000 रुपए की कीमत से 35,031 स्क्वायर फीट की संपत्ति भी खरीदी थी। SPN 9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।